नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यमी मलाई कोफ्ता। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और आज की जो ये रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैंने बस इस वीडियो में शूट किया है और जो ये रेसिपी है वो मेरे हस्बैंड ने बनाई है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं हमारे ईजी से टेस्टी मेल्ट इन माउथ मलाई कोफ्ता। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर दो आलू लिए हैं जिन्हें हमने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। साथ में हम दो आलू के साथ डाल रहे हैं 100 ग्राम पनीर, जिसे हम अच्छे से ग्रेट करके डालेंगे इसमें। इसे बारीक वाली साइड से ग्रेट करना है ताकि काफ़ी फाइन हो जाए। साथ ही हमने इसमें एक हरी मिर्ची डाली है। मसालों में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून भर के मैदा, या फिर ऑल पर्पज़ फ्लोर बोलते हैं जिसको। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। और मैदा डालने से क्या होता है कि ये एक तो हमारा बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, और जितना भी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए, इसे बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है हमने, और अब हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी है। और इसके हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आप राउंड या ओवल जैसी भी चाहे कोफ्ते, वैसे उस शेप के बनाएं। अब एक पैन में हम तेल गरम कर लेते हैं, फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, और हमारे सभी कोफ्तों को हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें बीच में पलटते रहना है और इन्हें चारों तरफ से इक्वली हमें फ्राई करना है, जब तक कि ये सभी पर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो देखिए गोल्डन हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बनाते हैं इसके लिए ग्रेवी। तो इसके लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है हमने, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। तो एक पैन में हमने तेल गरम किया और उसमें हमने डाला है जीरा, एक बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता। अब इसमें हम अपनी कटी हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस एक बार हल्का सा सौते कर देना है, और तभी हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन को भी साथ में डालकर पका सकते हैं। अब हम इसे ढककर और अच्छे से टमाटरों के गलने तक पका लेंगे। जो हमारा मसाला है पकने के बाद हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे। बेसिक ग्रेवी है जो हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें 50 ग्राम बटर डाल दिया है। साथ में हमने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्ची डाल दी है हमने। यहाँ पर लाल मिर्ची डालने से उसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। ज़्यादा जलाना नहीं है लाल मिर्ची को। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हमने जो पेस्ट रेडी किया था उसे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। यहाँ जो पेस्ट हमने टमाटर प्याज का बनाया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी ना रहे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इस धनिया पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है, और 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इससे इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। साथ में हमने इसमें डाली है 2 टेबलस्पून मलाई, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया था। आप चाहे तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और इन्हें बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें फिर से हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। ग्रेवी को हमें ढककर 5 मिनट के लिए पकाना है, और 5 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी जो है रेडी है। अब इसकी हमें सर्विंग करनी है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये स्टेप मिस कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली बस अपने कोफ्तों को प्लेट में रखना है और ग्रेवी को हम उसके ऊपर से डाल देंगे, और हमारी जो है मलाई कोफ्ता वो बनकर रेडी है। आप चाहें तो कोफ्ते अलग से बना कर रखें और जब भी आपको सर्व करना हो उसको ऊपर से डालकर सर्व कर दें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।